देखिए, हर शख्सियत से तवस्सुल के कुछ अलग अलग तरीके भी उलमा ने बयान किए। हज़रत ज़हरा से तवस्सुल कैसे करें, उनके वसीले से दुआ कैसे मांगें, इसका भी एक तरीका आगे चलकर आएगा। देखिए, शब कदर और उनके दरमियान मुमासलतें, शब कदर एक जरिया बनती है दुआओं की कबूलियत का, हज़रत ज़हरा एक मुस्तकिल एक जरिया है, उनका तवस्सुल इख्तियार किया जाए तो सारी दुआएँ कबूल होती हैं। तो मुख्तलिफ मासूमीन की जो शख्सियात हैं उसके एतबार से तवस्सुल भी के कुछ तरीके बताए गए। जैसे कि जनाब अमीर से तवस्सुल अगर कोई शख्स करना चाहे तो आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी ये बात बयान फरमाते थे कि अमीरुल मोमिनीन से तवस्सुल का उनके पास अपना जाती मुजर्रब जो उन्होंने बहुत पाया है तरीका, वो ये कहते थे कि मैंने हमेशा ये देखा कि जब भी मैंने 7 मरतबा नादे अली पढ़ने के बाद जो भी दुआ की है और अमीरुल मोमिनीन का तवस्सुल इख्तियार किया है नादे अली के जरिए, मेरी वो दुआ हमेशा कबूल हुई नादे अली। तो अमीरुल मोमिनीन से तवस्सुल करके 7 मरतबा इंसान नादे अली पढ़े, फिर अमीरुल मोमिनीन का वास्ता देकर परवरदिगार आलम को जो दुआ मांगे इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। इसी तरीके से सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल, इसका एक तरीका और उरफा ने बताया कि अगर कुरान की काफी मकदार पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया की जाए और उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए वो लाजमी कबूल हो जाएगी। कितना काफी? कम से कम कुरान का एक जूस यानी एक पारा पढ़ने के बाद इमाम हुसैन को आप हदिया करें और उसके बाद जो दुआ मांगे कबूल हो जाएगी। यानी इमाम हुसैन से तवस्सुल का एक बेहतरीन तरीका बताया गया, तो लाजमी वो दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। और यही वजह है कि आयतुल्ला मरशी नजफी ने अपने जो नकल किया था कि जब हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे थे तो फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद मरहूम को देखा था कि वालिद मरहूम और दीगर बहुत सारे मरहूम उलमा और मुज्तहिदीन की अरवाह इमाम हुसैन की कब्र के बिल्कुल सिरहाने बैठकर तिलावत कुरान में मशगूल थी, रहलों पे कुरान रखे हुए थे और तमाम अरवाह उलमा जिसमें मेरे वालिद की रूह भी थी वो इमाम हुसैन की कब्र के अतराफ में बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रही। फिर खुद किसी ने आयतुल्ला कश्मीरी जिनका भी मैंने हवाला दिया ये पूछा उनसे कि आप जब कोई परेशानी होती आपने किसका तवस्सुल ज्यादा मुजर्रब पाया, तो उन्होंने खुद फरमाया कि मैंने अपने लिए बहुत ज्यादा मुजर्रब जो तवस्सुल पाया है अपने लिए वो मैंने जब भी कभी हजरत जवादुल आयमा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का तवस्सुल इख्तियार किया। इनका जब भी तवस्सुल इख्तियार किया बहुत मुजर्रब पाया और फौरन मेरी दुआएं कबूल हुई। तो आम तौर पर हमारे यहां इतना राइज नहीं है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से तवस्सुल, तो इसको भी राइज करना चाहिए। ये भी हमारे इमाम हैं, इनके वसीले से वास्ते से कितनी दुआएं कबूल होती हैं, तो ये भी दिमाग में रहे। अच्छा, इसी तरह से इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक तवस्सुल का एक बेहतरीन तरीका, वो तरीका ये अच्छा, बहुत सारे लोग ज़ियारात के ऊपर भी जाते हैं और वहां जाने के बाद एक बहुत ही मुजर्रब अमल मिस कर देते हैं जो दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत ही बेहतरीन है, कि अगर कोई शख्स हरम इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाए और उनकी कब्र की ज्यारत के लिए वहां जाने के बाद अगर कोई शख्स 400 मरतबा सूरे नूर की जो आयते नूर है यानी 35 नंबर की जो आयत है अल्लाह नूर समावाते वल अर्ज़े मसलो नूर ही का मिश्काते फीहे मिसबाहुन वाली, यानी सूरह नूर की आयत नूर जो 35 नंबर की आयत है इसको 400 मरतबा तिलावत करके अगर इमाम रिजा को हदिया किया जाए तो वो दुआ लाजमी कबूल हो जाती है। देखिए, ये भी तमाम उरफा ने तरीके बताए हैं। बाज़ औक़ात इन तमाम इल्म रूहानियत इरफानियत भी बड़ा वैसा इल्म है कि जो उरफा ने अपने तजर्बात से और अहादीस और रिवायात की रोशनी के अंदर जो अपने तजर्बात किए हैं वो आपको पहुँचाएं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन तमाम चीज़ों के असर पजीरी के लिए इंसान को गुनाहों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे
आम जिंदगी में जो मुबाह है लेकिन उनसे भी मानवियत आपकी कम हो जाती, उससे भी आपकी रूहानियत में कमी वाकई होती। बहुत सारी खुराकें और खाने ऐसे हैं जिनसे रूहानियत और मानवियत में कमी होती। खुराक का बहुत ज्यादा असर है। उरफा जिसमें आयतुल्ला बहजत भी थे ये बात कहा करते थे कि गाय का गोश्त, पनीर और मक्खन अगर कोई शख्स खाता है तो उसकी चश्मे बरज़खी बंद हो जाती है। गाय का गोश्त, पनीर और मक्खन वगैरह, और ज्यादा गोश्त खाने को भी उरफा मना करते हैं सालिकीन को, कि जो अभी राह इरफान में जिन्होंने कदम रखा है उनको मना करते हैं कि ज्यादा गोश्त ना खाओ, और बहुत हुआ तो रफे कराहत के लिए 40 रोज में एक दफा खा लिया करो ताकि कराहत खत्म हो जाए इसमें। और खुद जो पुरखोरी है बहुत ज्यादा खाना, ये भी मानवियत के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। देखिए जब भी आपको नजर आता है कि आइमा के जो असहाब थे, पैगंबर जो थे, क्यों कम खाया करते थे, आयतुल्ला जवाद आमिली फरमाते हैं कि अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिर कैसे इतने भूख और प्यास में, पानी बंद था, खाने को कोई चीज नहीं थी, उसके बाद ऐसी शजाअत और बहादुरी, ताकत कहां से हासिल किया उन्होंने। तो फरमाते हैं कि अंसार इमाम हुसैन लिकाउल्लाह की मंजिल में उसकी फिक्र में थे, और दुआ और मनाजात के जरिए जिस्मानी एतबार से अपने आप को तकवियत पहुंचाते थे। हजरत मूसा के मुतालिक कहा जाता है ना कि 40 रोज जो हजरत मूसा अपने कौम से अलग होकर गए थे, तो इस 40 रोज में हजरत मूसा ने एक कतरा पानी नहीं पिया था और एक दाना उनके हलक में से नीचे नहीं उतरा था, और खुदा से हम कलामी की लज्जत और जो अस्कार थे उससे जिस्मानी कुव्वत को हजरत मूसा ने हासिल किया था। तो बहरहाल इन खाने पीने की चीजों से भी बाज़ोकात जिस्म के ऊपर असरात नुमाया होते हैं, उन सब चीजों के असरात हैं, जितने भी आप जिस्म के अंदर आप लेती जा रही हैं ना चीजें, ये सब आपके जिस्म और रूह के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम को जो जन्नती फल दिया गया था, जन्नती सेब खाने के बाद फिर हजरत जहरा की विलादत का इंतजाम हुआ, उसके तमाम असरात होते हैं। तो बहरहाल तो बात यह हो रही थी जिस तरीके से हजरत जहरा का शब कदर को तवस्सुल किया जाता है और उसको एक जरिया बनाया जाता है दुआओं की कबूलियत के लिए, इसी तरीके से हजरत जहरा की ज़ाते गिरामी भी तवस्सुल का एक बेहतरीन जरिया है, और खासतौर बीबी से तवस्सुल का बेहतरीन जरिया है वही जो पैगंबर इस्लाम ने उनको तोहफा दिया था, इन्हें तस्बीह हजरत जहरा, ये पढ़ने के बाद आप बीबी को हदिया करें, उसके बाद जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले।